नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए गरीब पात्र हितग्राही जो राशन कार्ड धारक हैं, उन्हें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून का प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत अप्रैल मई और जून का एक मुश्त निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। लेकिन मैं रूपाली जैन कुछ बातों को कुछ प्रश्नों के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। पहली कि बंद हो चुकी खाद्य पर्चियों को अभी कुछ माह पूर्व ही चालू किया गया था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सिर्फ उन्हीं हितग्राहियों को पात्र मानकर राशन दिया जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणवश विभागों के द्वारा बाकी बंद पर्चियों को चालू नहीं किया गया। या तो प्रक्रिया आधी रह गई या खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर बाकी रह गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, ऐसी स्थिति में उन हितग्राहियों का क्या? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को चपेट में ले लिया है, या तो परिवार के कई सदस्यों को मौत के काल ने निगल लिया है, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो अपने परिवार की आय का एकमात्र साधन थे, और कोरोना चपेट से आने के बाद बच तो गए लेकिन ब्लैक में हजारों के इंजेक्शंस, दवाइयां, ऑक्सीजन खरीदने और कर्ज लेकर हॉस्पिटल का लाखों का बिल चुकाकर घर वापस आए हैं। ऐसी स्थिति में हजारों लाखों लोगों का आर्थिक संकट से सामना हो रहा है और APL यानी अबो पॉवर्टी लाइन की पात्रता रखने वाले ये लाखों परिवारों का ग्राफ खसक कर गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है। तो क्या खाद्य अधिनियम 2013 योजना के अंतर्गत जब भविष्य में इन परिवारों को पात्र माना जाएगा, तब तक क्या इन्हें ऐसे ही मरने दिया जाए? अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे एक तरफ कोरोना बीमारी से लाशों को हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ भूख से मरने वालों की लाशें होंगी, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, अपने परिवार की भूख मिटाने की जद्दोजहद में चोरी चकारी लूटपाट हिंसा धोखाधड़ी नशाखोरी जैसे कई अपराध बढ़ जाएंगे। और यकीन मानिए इसके दुष्परिणाम मध्य प्रदेश को भी झेलने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे, समस्त जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे परिवार जो राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, काम धंधे बंद पड़े हैं और आर्थिक मार झेल रहे हैं, उन्हें राशन बांटिए, क्योंकि ये आपके कहने से घर रुक गए, इन्होंने कोरोना नहीं बांटा। और जो मेरी बात सुन समझ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाएं और ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनकी मदद कीजिए, उन्हें सहयोग कीजिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी बात का असर होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ठोस कदम जरूर लेंगे। धन्यवाद।